एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है बिग डेटा सिस्टम। सो यूजीसी नेट में हर साल बिग डेटा सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिग डेटा क्या होता है, कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं रियल लाइफ में एंड किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये कंप्लीट सिलेबस है जिसमें कि ये है हमारा आज का कंप्लीट सेक्शन जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NTA UGC ने 2022 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम सिर्फ 90 डेज में पेपर वन एंड पेपर टू का कंप्लीट कोर्स आपको कवर कराएंगे, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड थ्योरी लेक्चर्स की हेल्प से हम सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सो पेपर टू कंप्यूटर साइंस में हम आपको कंप्लीट कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें कि हर एक यूनिट के टॉपिक एंड सब टॉपिक इंक्लूडेड होंगे, फुल सिलेबस नोट्स, महामैराथन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं UGC नेट के लिए। एंड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आप लोगों की बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो इस कंप्लीट कोर्स को आप लोग एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप से जिसका नाम है ग्लोबल ऑनलाइन। तो हमारे ऐप को आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ पे उसके बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे और उसके बाद सेलेक्ट करनी होगी एग्जाम कैटेगरी जो कि है NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस। एंड इस कंप्लीट कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर एंड कंप्लीट कोर्स की फ़ी है 4999, लेकिन अभी आप लोगों को मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि आपको पे करना होगा सिर्फ 3999। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा आज का मेन टॉपिक है बिग डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा, आप लोगों को इसके नाम से क्लियर है कि बहुत बड़ा डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा। तो यहाँ पे बिग से हमारा मतलब है वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो यानी कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा अगर हमारे पास, तो हम लोग उसको कैसे स्टोर करेंगे, कैसे उसको रिट्रीव करेंगे, कैसे उस डेटा को एक्सेस करेंगे, ये सब चीज़ें बिग डेटा के अंदर आती हैं, ठीक है। तो बिग डेटा पे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक टर्म और होती है हमारे पास जिसको बोला जाता है स्मॉल डेटा, ठीक है। सिंपल अगर हम लोग बोलें तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रेडिशनल डेटा, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम लोग DBMS यूज़ करते थे जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ किया जाता था, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यूज़ नहीं किया जाता था। तो ये होता था स्मॉल डेटा, यानी कि एक वेबसाइट है उसका अपना एक DBMS होगा, दूसरी वेबसाइट है उसका अपना एक DBMS होगा। तो इसमें सिर्फ हर एक वेबसाइट का अपना ही डेटा स्टोर होता है, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल डेटा सिर्फ MB, GB एंड TB, सिर्फ इसी लेवल तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन जो बिग डेटा होता है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास सोशल मीडिया है, हम लोग सब फेसबुक यूज़ करते हैं, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सब चीज़ों में बहुत कितने मिलियन लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो हर एक यूज़र का जो डेटा होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बिग डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड बिग डेटा जो है वो मोस्टली PB एंड EB में स्टोर किया जाता है। सो PB का मतलब होता है पेटाबाइट एंड EB का मतलब होता है एक्साबाइट, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है चीज़ें। एंड अगर हम लोग स्मॉल डेटा की बात करें तो स्मॉल डेटा जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। आज के टाइम पे जो भी 10% डेटा है वो आता है ट्रेडिशनल या स्मॉल डेटा, एंड जो 90% हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, वो सब आता है बिग डेटा के केस में, ठीक है। एंड बिग डेटा जो है वो मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड से हमारा मतलब है कि इसमें इमेजेस भी आती हैं, इसमें ऑडियो भी आता है, वीडियोस भी आती हैं एंड टेक्स्ट के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भी आती है। ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज से 3 साल पहले जो डेटा यूज़ करते थे हम लोग, ठीक है, वो आता था ट्रेडिशनल डेटा के फॉर्मेट में। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बिग डेटा की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती जा रही है, इसीलिए बोला गया है कि 90% ऑफ डेटा जो है वो बिग डेटा की कैटेगरी में आता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास 3 V's ऑफ बिग डेटा। सो बिग डेटा में 3 V's होते हैं। पहला है वेलोसिटी, वैरायटी एंड वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इनको हम लोग बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल 10 वीज होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग फिलहाल अभी 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमें बताती है कि स्पीड ऑफ डेटा क्या है, ठीक है, कि किस स्पीड में हम लोग डेटा को जनरेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पास्ट 3 ईयर्स में हम लोग किस लेवल पे डेटा यूज़ करते थे, कितना फेसबुक, कितना सोशल मीडिया यूज़ करते थे, एंड अगर हम आज अपने आप को देखें तो हम लोग कितना इंटरनेट और कितना सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें बताता है कि कितनी स्पीड में जो है डे बाय डे डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास वेराइटी। तो वेराइटी बताता है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, कि कितना टाइप का डेटा होता है, जैसे इमेजेस होती है, ऑडियो है, वीडियो है, तो कैसे हम उस चीज़ को बिग डेटा में मैनेज करते हैं, उसको स्टोर और एक्सेस करते हैं, ये आता है वैरायटी के अंदर, ठीक है। सो वैरायटी में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही तरह के डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है साइज ऑफ डेटा या फिर अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। सो कितना हमारा डेटा का अमाउंट है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, ये सब आता है वॉल्यूम ऑफ डेटा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप लोग देखोगे तो 3 V's में हमने देखे वेलोसिटी, वेराइटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करें, ठीक है, सोशल मीडिया हमने देख लिया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इसमें डेली कितने लोग कितने ऑर्डर करते होंगे, ठीक है, कितनी चीज़ें अपने डेली कार्ट में ऐड करते होंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक सर्वर चाहिए, बहुत बड़ा एक स्टोरेज एरिया चाहिए, ठीक है, उसी चीज़ को बिग डेटा बोला जाता है। तो आई होप ये जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए हैं इनसे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे बिग डेटा काम करता है एंड कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आता है वेरिसिटी। सो वेरिसिटी का मतलब होता है डेटा एक्यूरेसी। अब मान लीजिए कि हम लोग गूगल पे जा करके कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए वो वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देता रहे, तो क्या हम वापस से सर्च करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर डेटा की बात करते हैं तो डेटा की वेरिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डेटा की एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है वैल्यू। वैल्यू से हमारा मतलब होता है यूज़फुल डेटा, कि क्या जो डेटा हम ढूंढना चाहते थे एज इट इज़ हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी, ठीक है। तो वैलिडिटी हमें बताता है डेटा की क्वालिटी, गवर्नेंस, मॉन्स्टर डेटा मैनेजमेंट ऑन मैसिव, ठीक है, यानी कि बहुत बड़े डेटा को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, कि क्या उसके गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब है कि क्या गवर्नमेंट द्वारा वो चीज़ें अप्रूव्ड है, डेटा की क्वालिटी जो है वो बेटर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं वैलिडिटी के अंदर। अब जैसे मान लीजिए हम लोग अभी आपको बता रहे हैं कि 90% डेटा जो है वो बिग डेटा यूज़ करता है एंड 10% डेटा ट्रेडिशनल डेटा यूज़ करता है, ठीक है, तो ये है वैलिडिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग आगे आने वाले 10 सालों तक सिर्फ यही टर्म्स को यूज़ करते रहें तो क्या हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो वैलिड होंगी? नहीं होंगी, ठीक है। तो यानी कि टाइम टू टाइम जो डेटा चल रहा है, जो भी डेटा में चेंजेस हो रहे हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वेरिएबिलिटी। तो डायनामिक यानी कि कैसे वो डेटा चेंजेबल है, टाइम टू टाइम हम उसको कैसे चेंज करेंगे, इवॉल्विंग बिहेवियर और इन डेटा सोर्सेज, यानी कि कहाँ से डेटा आ रहा है हमारे सिस्टम में, ठीक है, उसका इवॉल्विंग बिहेवियर, उसका चेंजेबल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है वेन्यू। सो डिस्ट्रीब्यूटेड हिट्रोजीनियस डेटा फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, तो कैसे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डेटा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आता है डेटा के मॉडल्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि कैसे डेटा को हम लोग वहाँ पे सेटअप करते हैं, अरेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक्स दैट डिस्क्राइब्स डेटा स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं वोकैबुलरी, सो दैट हम लोग ईजिली उन चीज़ों को समझ सकें, उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है वेगनेस। सो कन्फ्यूजन जो होता है डेटा के मीनिंग में, स्पेशली इन केस ऑफ बिग डेटा, तो उसको रिमूव करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं वेगनेस के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये 10 V's जो हैं बिग डेटा के, वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हैं।
सो चलिए बात करते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है टाइप्स ऑफ बिग डेटा. ठीक है, सो बिग डेटा में हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं. पहला है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड. तो अभी तक जो भी हम लोग डेटाबेस की बात कर रहे थे प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है, वो सब चीज़ें आती हैं स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में. ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल. जैसे कि हमने एक हेडिंग दे दी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी इन लैक्स. ठीक है, तो आईडी वाले सेक्शन में पूरे में आईडीज ही होंगी. एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है ये, यानी कि अगर हमें किसी एम्प्लॉय का नेम ढूंढना है तो हमें पूरे टेबल में नहीं ढूंढना होगा, हम सिर्फ इसी सीक्वेंस में इसको ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है ना, इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आती हैं. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गूगल पे जो भी हम चीज़ें सर्च करते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. जैसे यहाँ पे हमने लिखा हडूप बिग डेटा. ठीक है, तो इसने हडूप से रिलेटेड कौन कौन से, जैसे IBM हमें हडूप प्रोवाइड करवाती है, ये बिग डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इसने वो भी बता दिया. बिग डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे दी, इमेजेस भी दे दी, न्यूज़ भी दे दी. ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेफिनेशंस भी दे दी. तो ये होता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि इसमें हमारे पास इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल्स, न्यूज़, हर एक चीज़ अवेलेबल होती है एक ही प्लेटफॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो इसमें स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं. ठीक है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ इसको देखोगे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे एक बार देखने पे कि ये क्या चीज़ है. तो इसको बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. एंड इसमें स्ट्रक्चर्ड की क्या प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक एक टैग लिया है रिकॉर्ड. ठीक है, सो नेम है, नेम को क्लोज कर दिया, सेक्स, सेक्स को क्लोज कर दिया, एज, एज को क्लोज कर दिया. तो ये है इसमें स्ट्रक्चर्ड मैनर, यानी कि हमने हर एक रिकॉर्ड में आप लोग देख सकते हो पहले नेम है. ठीक है, उसके बाद सभी का यहाँ पे हम लोगों ने सेक्स लिखा है, उसके बाद हमने सभी की यहाँ पे एज मेंशन की है. तो ये आ गया इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड आ गया कि इसको हम लोग इजीली मैनेज नहीं कर सकते. अगर ये इसी फॉर्मेट में होता तो ये कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता. ठीक है, तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हैं. ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है बिग डेटा आर्किटेक्चर. सो बिग डेटा आर्किटेक्चर जो है ना, उसको यूज़ किया जाता है टू हैंडल द इंजेशन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा दैट इज टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं उसमें बहुत बड़े डेटा को हम लोग जो है स्टोर नहीं कर सकते. अगर हमने स्टोर कर भी दिया, ठीक है, बाई चांस स्टोर कर भी दिया, तो उसको ईजिली हम लोग एक्सेस यूज़ नहीं कर सकते. इसीलिए यहाँ पे आर्किटेक्चर ज़रूरी है, जो कि हमें बताता है कि कैसे डेटा सिस्टम में एंटर होगा, कैसे वो इंटरनली प्रोसेस होगा एंड कैसे उसका हम लोग आउटपुट ले सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास डेटा सोर्सेज. सो बिग डेटा में पहला स्टेप होता है डेटा सोर्सेज. ठीक है, यानी कि डेटा कहाँ से आ रहा है. ठीक है, इसमें आता है हमारे पास एप्लीकेशन डेटा स्टोर्स सच एज रिलेशनल डेटाबेसेस. ठीक है, उसके बाद आता है रियल टाइम डेटा सोर्सेज जैसे कि IoT. ठीक है, IoT, आई होप आपको पता होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड डिवाइसेस के थ्रू जो डेटा आता है वो भी डेटा सोर्सेज के अंदर ही हम उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा स्टोरेज. सो डेटा को एंटर तो हमने अपने सिस्टम में कर लिया, अब उसको स्टोर कहाँ पे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है. ठीक है, तो डेटा स्टोरेज के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, यहाँ पे यूज़ किया जाता है बैच प्रोसेसिंग. तो बैच प्रोसेसिंग जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ स्टोर इज ऑफन कॉल्ड डेटा लेक, यानी कि एक बहुत बड़ी लेक है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हम लोग मैनेज एंड स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है बैच प्रोसेसिंग. ठीक है, बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमारा एक जगह से आया, एंटर हुआ, ठीक है, सिस्टम में, तो उसको बैचेस के फॉर्मेट में प्रोसेस किया जाता है. सो दैट अगर हमें आने वाले समय पे उसको एक्सेस करना होगा, मैनेज करना होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, तो इसके लिए जैसे यू सीक्वल होता है, एज़्योर, डेटा लेक, एनालिटिक्स होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि जावा है, स्काला है, पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल लाइफ मैसेज इंजेशन. तो रियल लाइफ मैसेज इंजेशन हमें बोलता है कि
एक सॉल्यूशन है, अगर उसमें रियल टाइम सोर्सेज है, आर्किटेक्चर इंक्लूडेड है जो कि एक मस्ट पॉइंट है, जो कि होना ही चाहिए, ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे उन चीज़ों को रियल टाइम मैसेज के साथ स्टोर करेंगे, ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे, तो वो सब चीज़ें रियल टाइम मैसेज इंजेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस आते हैं इसमें, जैसे कि एज्योर इवेंट हब्स हैं, एज्योर आईओटी हब्स हैं, काफका है, ठीक है, ये सब चीज़ें रियल टाइम मैसेज इंजेशन की कैटेगरी में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, तो आफ्टर कैप्चरिंग रियल टाइम मैसेजेस द सॉल्यूशन मस्ट प्रोसेस देम बाय फिल्टरिंग, एग्रीगेटिंग एंड अदरवाइज प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर एनालिसिस। तो कैसे हम उस डेटा को एग्रीगेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एनालिसिस के लिए, वो सब चीज़ें हैंडल की जाती हैं स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, एनालिसिस के लिए हेल्पफुल है ये, तो यहाँ पे एनालिटिकल डेटा स्टोर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैनी बिग डेटा सॉल्यूशंस प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस एंड देन सर्व द प्रोसेस डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दैट कैन बी क्वेरीड यूजिंग एनालिटिकल टूल्स, ठीक है। तो जो भी डेटा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जिसको हमने यहाँ पे एनालाइज किया, उसको कैसे हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, कैसे हम एनालिटिकल टूल्स के फॉर्मेट में उसको हम यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें एनालिटिकल डेटा स्टोर के अंदर आती हैं। सो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एच डी इनसाइट सपोर्ट्स, इंटरेक्टिव हाइव, एच बेस, ठीक है, स्पार्क, सीक्वल, ये सब चीज़ें जो है ना, ये प्रोवाइड करवाती हैं एनालिटिकल डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। कैसे डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे, कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे हम लोग अपने एंड यूजर्स के साथ, वो सब चीज़ें आती हैं एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे पास बिग डेटा आर्किटेक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है कि जो आर्किटेक्चर है बिग डेटा का, उसको हमें कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम स्टोर या प्रोसेस करना चाहते हैं एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को फॉर ट्रेडिशनल डेटा बेसिस, तो वहाँ पे बिग डेटा आर्किटेक्चर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, तो वहाँ पे भी बिग डेटा के आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है टू कैप्चर, प्रोसेस एंड एनालाइज अनबाउंडेड स्ट्रीम ऑफ डेटा इन रियल टाइम और विद लो लेटेंसी, ठीक है। तो ये तीन रीजंस हैं कि क्यों हम बिग डेटा के आर्किटेक्चर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या क्या इसको यूज़ करने के फायदे होते हैं हमारे डेटा के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो पहला है कि टेक्नोलॉजी चॉइसेस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी चॉइस है कि हम कितना फास्ट अपनी प्रोसेसिंग चाहते हैं, किस लेवल का डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इसमें, इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अब इतना लार्ज डेटा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये इसमें एक चैलेंज है। वैसे तो डे बाय डे जो डेवलपर्स हैं वो इसमें चेंजेस कर रहे हैं, इसको एनहांस कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि डे बाय डे डेटा भी इंक्रीज हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं उसी लेवल पे चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किल सेट। सो मैनी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड यूज फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस दैट आर नॉट टिपिकल फॉर नॉट टिपिकल ऑफ मोर जनरल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल सेट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इसकी सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब इतने ज़्यादा लोग हैं, हम जैसे फेसबुक हम यूज़ करते हैं, हमारी सारी डिटेल्स वहाँ पे है, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिग डेटा आर्किटेक्चर में बिग डेटा डेवलपर्स के लिए सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न होता है, जिसपे कि हमें जिसपे कि हमेशा उन लोगों को फोकस करके चलना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास हडूप। सो हडूप जो है वो बिग डेटा का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है, जिसमें कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एंड जितनी भी कंप्यूटेशंस होती हैं उसको हम लोग इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हडूप में हमारे पास बेसिकली दो चीजें आती हैं। तो हडूप इज रिटन इन जावा नॉट एंड इज नॉट ओ एल ए पी,
दैट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। सो जैसे कि इसको फेसबुक, याहू, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरेक्शन डेली बेसिस पे रहती है, ठीक है, वो सब लोग जो है हडूप को यूज़ करते हैं। हडूप के दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, पहला है हडूप मैप रिड्यूस एंड दूसरा है HDFS, ठीक है। सो HDFS का मतलब होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो पहले बात करते हैं हडूप मैप रिड्यूस की। सो मैप रिड्यूस इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल एंड सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग एप्लीकेशंस विच आर रन ऑन हडूप, ठीक है, जो कि हडूप पे रन हो सके, ऐसी एप्लीकेशंस को वहाँ पे हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को राइट करते हैं। दीज मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इनोमरस डेटा इन पैरेलल और ऑन लार्ज क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटेशन मॉडल्स, ठीक है, या फिर कंप्यूटेशनल नोड्स हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है HDFS, दैट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सो ये क्या करता है, टेक केयर्स ऑफ द स्टोरेज पार्ट ऑफ द हडूप एप्लीकेशन। अब जैसे कि ये कंप्लीट हडूप एप्लीकेशन है, इसमें जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग स्टोरेज से रिलेटेड काम करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैप रिड्यूस एप्लीकेशंस कंज्यूम डेटा फ्रॉम HDFS, ठीक है। तो जो भी होता है मैप रिड्यूस में डेटा, वो HDFS से ही लेता है हमेशा। HDFS क्रिएट्स मल्टीपल रेप्लिकास ऑफ डेटा ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम ऑन कंप्यूट नोड्स इन अ क्लस्टर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन एनेबल्स रिलायबल एंड एक्सट्रीमली रैपिड कंप्यूटेशंस, ठीक है। तो हडूप में कुछ ये बस बेसिक सी चीज़ें हैं, हडूप मैप रिड्यूस एंड HDFS। तो हडूप के कुछ फीचर्स होते हैं दैट इंक्लूड सुटेबल फॉर बिग डेटा एनालिसिस, स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सिस्टम में किसी भी ऐसे लेवल पे अगर हम अपने सिस्टम को लेकर जाते हैं कि वो नहीं समझ पा रहा है डेटा को, ठीक है, नहीं हैंडल कर पा रहा है डेटा को, तो हडूप जो है उस लेवल पे फॉल्ट को टॉलरेट करने में हमें हेल्प करता है। इसको हम लोग रिजिलियंट टू फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है। सो HDFS हैज़ द प्रॉपर्टी विच विद विच इट कैन रेप्लीकेट डेटा ओवर द नेटवर्क। सो इफ वन नोड इज डन डाउन और सम अदर नेटवर्क फेलियर हैपन्स, देन हडूप टेक्स द अदर कॉपी ऑफ डेटा एंड यूज इट। नॉर्मली डेटा आर रेप्लीकेटेड थ्राइस बट द रेप्लीकेशन फैक्टर इज कन्फिग्यूरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रेप्लीकेबल होते हैं, रेप्लीकेशन होती हैं, वो सिर्फ 3 times ही होती हैं। इसके अलावा इसका एक और फीचर होता है कि ये स्केलेबल होता है, ठीक है। तो हडूप के क्लस्टर जो होते हैं दे कैन बी एक्सटेंडेड बाय जस्ट एडिंग नोड्स इन द क्लस्टर। तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, इन क्लस्टर्स में अगर हम लोग नोड्स को ऐड कर देंगे तो हम लोग इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इससे हम लोग जो मॉड्यूल्स हैं उनकी स्केलेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हडूप जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स एंड इट इज़ ओपन सोर्स एंड यूजेस कमोडिटी हार्डवेयर टू स्टोर डेटा। सो इट रियली कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही वजह है कि अब हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम को रिमूव करके, ट्रेडिशनल सिस्टम्स को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, बिग डेटा एंड हडूप की तरफ को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास हडूप का आर्किटेक्चर। सो हडूप के आर्किटेक्चर में कुछ आप लोग टर्म्स देख सकते हो, जैसे कि मैप रिड्यूस लेयर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो HDFS लेयर, इसमें आता है टास्क ट्रैकर, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं नेम नोड से। सो नेम नोड क्या होता है, ये एक सिंगल मास्टर सर्वर होता है दैट एग्जिस्ट इन द HDFS क्लस्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि HDFS लेयर में ही ये होता है, ये क्या है, एक सिंगल मास्टर सर्वर होता है। इट इज़ अ सिंगल नोड, इट मे बिकम द रीजन ऑफ सिंगल पॉइंट फेलियर। अगर इसका एक सिंगल पॉइंट भी फेल हो जाता है, कुछ भी इसमें फॉल्ट आ जाता है, तो क्या हो सकता है, हमारा पूरा हडूप में जो HDFS लेयर वाला सेक्शन होता है वो काम करना बंद कर सकता है, ठीक है। इट सिंप्लीफाइज द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा नोड। सो द HDFS क्लस्टर कंटेन्स मल्टीपल डेटा नोड्स, यहाँ पे हमने वन डिफाइन की है, इसी तरह से इसमें मल्टीपल डेटा नोड्स होती हैं, ठीक है। हर एक डेटा नोड में जो है मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है।
सो हर एक डेटा नोड में मल्टीपल डेटा नोड्स इस तरह से स्टोर किए जाते हैं, ठीक है. दीज डेटा ब्लॉक्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा नोड टू रीड एंड राइट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फाइल सिस्टम्स क्लाइंट. तो जो भी फाइल सिस्टम के क्लाइंट होते हैं उनकी क्या रिक्वेस्ट है उसको समझना, उसको प्रोसेस करना एंड उसको फुलफिल करना, ये सभी डेटा नोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसके साथ ही डेटा नोड क्या करता है, ये ब्लॉक को क्रिएट करता है, डिलीट करता है एंड उसके रेप्लिकेशन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म किया जाता है स्पेशली नेम नोड से रिलेटेड, उन सबको ये हैंडल करने के लिए यूज होता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉब ट्रैकर. सो द रोल ऑफ जॉब ट्रैकर इज टू एक्सेप्ट द मैप रिड्यूस जॉब्स फ्रॉम क्लाइंट एंड प्रोसेस द डेटा बाई यूजिंग नेम नोड्स, ठीक है. सो इन रिस्पॉन्स नेम नोड जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं मेटा डेटा टू जॉब ट्रैकर, ठीक है. जॉब ट्रैकर को ये क्या करते हैं, मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, जैसे कि एक डेटा है उसके बारे में जो डेटा होगा वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है टास्क ट्रैकर. सो टास्क ट्रैकर वर्क एज अ स्लेव नोड फॉर जॉब ट्रैकर, ठीक है. इसके लिए ये एक स्लेव है, ठीक है. इट रिसीव्स टास्क एंड कोड फ्रॉम जॉब ट्रैकर एंड अप्लाइज द डेटा और अप्लाइज दैट कोड ऑन द फाइल. दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मैपर, ठीक है. टास्क ट्रैकर को मैपर भी बोला जाता है. सो जॉब ट्रैकर का ये स्लेव है, ठीक है. उसी से जो भी डेटा आता है ये उसको प्रोसेस करने के काम आता है. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मैप रिड्यूस लेयर, ठीक है. ये जो पूरी की पूरी मैप रिड्यूस की लेयर है इसमें जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि टास्क ट्रैकर है, ठीक है. यहाँ पे भी टास्क ट्रैकर है, ये स्लेव है, ये मास्टर है, ठीक है. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हडूप आर्किटेक्चर से रिलेटेड है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो हडूप की अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो ये बिग डेटा के एनालिसिस के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है. बिग डेटा के एनालिसिस के लिए हडूप का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्केलेबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.